हेलो दोस्तों, YT सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज यहाँ पे Xiaomi का MIUI 10 का बीटा वर्ज़न 8.8.2 आ चुका है। तो ये एक वीकली अपडेट है, यानी हर वीक इसमें Xiaomi अपडेट देता रहता है। तो 8.8.2 इसका नाम इसलिए क्योंकि आज जो डेट है उस हिसाब से इसका नाम रखा गया है। तो अपन इसमें चेक कर लेते हैं कि Xiaomi ने इसमें क्या कुछ नया दिया है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, वर्स न्यू में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस और फिक्स्ड बग्स। सिर्फ ये Xiaomi ने पिछली बार भी यही दे दिया था और इस बार भी यही लिख कर दे दिया है। तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या कुछ नया मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें YT सपोर्ट YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ नोट सेव कर रखा है, जिसमें बता दूँ कि सबसे पहले अपन को सर्च की, जो अपनी सर्च की पहले बंद थी वो अब सही हो गई है। यानी अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये काम करने लग जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं, ये अपने यहाँ पे Xiaomi का ब्राउज़र खोल दिए। अब दूसरी चीज़ अपन देखें, दूसरी चीज़ जो इसमें चेंज करी है वो कैमरा इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है। तो अपन कैमरा पे देख लेते हैं। जब आप खुद कैमरा इसको पहली बार खोलेंगे अपडेट करने के बाद, जब भी आप इसका फ़र्क देख सकेंगे, यानी पहली बार में आपको झलक मिल जाएगी कि क्या इसमें चेंज करा गया है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने अपना बैक कैमरा खोल रखा है। सिर्फ ये बैक कैमरा के लिए दिया गया है, फ्रंट के लिए नहीं है ना, रिकॉर्डिंग के लिए। तो आप देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इनहेंस लो लाइट फोटोज़ ऑटोमेटिकली। यानी अभी ये लो लाइट में भी अच्छी फ़ोटो आपको दे सकता है। अब जो अगली चीज़ है उस पर अपन बात कर लेते हैं कि अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़ है कि इसमें ना Xiaomi ने अपन के जो पहले अपने वर्ज़नों में अपने आंखों में चुभ रही थी इसकी ब्राइटनेस और इसके फ़ॉन्ट्स जो अपनी आंखों में चुभ रहे थे, तो वो उसको सही कर दिया है। यानी अभी ज़्यादा फ़र्क आंखों पे नहीं पड़ेगा इसका। और उसके चौथी चीज़ है ये कि गेम सेंटर यहाँ पे रिमूव कर दिया। यहाँ पे आप खाली जगह देख सकते हैं सेटिंग के बगल में, यहाँ पे पहले गेम सेंटर था, MI का ऐप स्टोर भी था और कम्युनिटी भी था। उसके अलावा ये Xiaomi ने मतलब कि गेम सेंटर दे दिया था, जिसको अब ये रिमूव कर दिया गया है। और अगली चीज़ है जो वो है कि यहाँ पे फ़ोन पे Xiaomi ने अपने इस वर्ज़न के साथ इंस्टॉल करके अपन को दे दिया है। लेकिन अपन चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं या रख भी सकते हैं। तो ये एक फ़ोनपे का अपडेट अपन को Xiaomi ने दे दिया गया है यहाँ पे। और अगली चीज़ और देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ यही था, लेकिन जो नोट 5 है, रेडमी नोट 5 Xiaomi का, उसमें अपन को फेस अनलॉक मिल चुका है। तो अगर आपके पास रेडमी नोट 5 है तो अभी जाके आप जल्दी से अपडेट करिए और वहाँ से आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी Redmi 4 के बारे में कि क्या क्या आपको अपडेट मिले हैं, और Redmi Note 5 में भी आपको यही अपडेट मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आपके फ़ोन में जो जो अपडेट आए हैं अगर आप चाहें तो उसको कमेंट में बता भी सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी जाननी है और भी देखनी है तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।